हमारो तुमने नुकसान तो खूब करो, हमें कोई सोचना भी नहीं दई, कोई नोटिस देते चाचे दिन से आए थे तो तू हमें पहले खबर कर देते तो हम अपना सामान निकाल लेते। सरकार तानाशाही है, उसने कोई सूचना देने के एक दिन दो दिन का टाइम भी मांगा वो भी नहीं दिया, और एक सरकारी आवास है ये वो भी तोड़वा दिया। आओ जब की अभी का पटा हुआ था इसी समय का खाने पीने का मामला, खाने पीने में आ गया था गेहूँ वही दबो है जो है थोड़े बहुत आटा वाटा है निकाल पाओ गुजारा वो, क्योंकि हम लोगों को नोटिस नहीं दिया है। अब हाई कोर्ट का आदेश था कि 31 तारीख तक कुछ नहीं होगा जी, इन्होंने अपनी सत्ता की हनक में आकर के जो यहाँ के नेता लोग थे और पैसे चंद लालच में प्लांट से लिमिटेड प्लांट था उससे पैसा लिया और ये बसे बसाए मकान दे दिए। ये कोई थोड़े मकान नहीं, इसमें लमसम 32 लोग रह रहे थे जी, 500 आदमियों को समूह था। इसको बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया है और यहाँ हम लोग जिस तरीके से जितना सामान हमारी खाद सामग्री है वो इसके अंदर दबी पड़ी है। शादी क्या क्या सामान शादी क्या सामान दब गया बताओ, शादी क्या क्या सामान ये बताएगा पीछे चलो शादी तो टाइम से होगी जैसा। सहयोग करेंगे इसीलिए आप लोगों को इसके लिए बुलाया। और दूसरा ये है कि एक इंदिरा आवास भी वहाँ गिराया गया है। इंदिरा आवास जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसकी पूरी जांच होने के बाद ही मिला होगा। लेखपाल जी ने भी रिपोर्ट लगाई होगी, कानून को जी ने रिपोर्ट लगाई होगी, सरकार ने देखो होगा तो सरकार ने ही बनाया और फिर सरकार ने ही गिरा दिया। सरकार ही कहती है वैध है, मैं बनवा रही हूँ, सरकार ही उसको गिरा दे रही है। तो हमें ये बताया जाए कि वो पहले गलत थे कि अब गलत हैं, या पहले सही थे अब सही थे, इसका उत्तर भी दिया जाए कि आप ही उसको बना रहे हैं, आप ही उसको तोड़ रहे हैं, आप पहले भी सही थे अब भी सही थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से हमें ये उम्मीद है, और जो लोग अगर लेखपाल जी के साथ वहाँ जो घटना हुई है, जो लोग दोषी हैं अगर कुछ है उनके पास साक्ष्य तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन जो लोग दोषी नहीं हैं, महिलाएं हैं, कई रिश्तेदार वहाँ हालचाल जानने आए उनको भी पकड़ के रखा है, कई ऐसे लोगों को जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं उनको पकड़ के रखा है, जिनकी राजनीतिक सिफारिश आ जा रही है, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको टच नहीं किया जा रहा वहाँ थे, निर्दोष लोगों को वहाँ किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो और बाकी लोगों की मदद हो। कहना है कि 15 दिन पहले गांव वालों को नोटिस दिया गया था, तो वो बताए दिखाए उसकी रिसीविंग दिखाए आप लोगों को बताए। और बात लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष नहीं, वो अपने संघ की बात कर रहे हैं और हम लोग जनता की बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई किसी की व्यक्तिगत नहीं है, वो अपने संगठन की बात कर रहे हैं। अगर लेखपाल के साथ वहाँ पर पिटाई हुई तो जो दोषी लोग उनको करें ना, हम कहा उसका उनको हम थोड़े ना बचाव कर रहे हैं, ना हमारी कोई लेखपाल से कोई वो है। हमारा तो ये है कि जिनके घर तोड़े गए उनको मुआवजा मिले, उनको जमीन मिले और उनकी मदद हो। और जो लेखपाल वाला मैटर है वो डिफरेंट मैटर है, उसमें अलग वो कर दिया गया, उसमें जो दोषी हो लेकिन उसमें भी निर्दोष लोग हैं उनको परेशान ना करें। महिलाओं की क्या गलती है, रिश्तेदारों की क्या गलती है, जो दोषी उन पर कार्रवाई करें, हम कहाँ कह रहे हैं, कानून के अंतर्गत जो आएगा वो फंसेगा चाहे कोई भी सरकार हो। डॉक्टर साहब, उखरा में पूर्व मंत्री धन सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव गए, उनका विरोध हुआ, क्या कहेंगे? देखिए आपने बात की, जो हमारी बहन है मोनिका यादव जी, उन्होंने कहा है कि बाहर के लोग थे वो अभी सत्ता में हैं, गांव के लोग पकड़े जा रहे हैं, उनका ही स्टेटमेंट है कि बाहर के लोग थे, तो वो जाकर के क्यों नहीं वहां पे जा रही कि बाहर के लोग कार्रवाई किए, गांव के लोगों को क्यों पकड़ रही है? हम नहीं कह रहे हैं, ये वही कह रही हैं, और वो तो आज सरकार में है, वो चाहे तो कुछ भी कह सकती है, उनकी बात को प्रभावशाली ढंग से आदमी सुनेगा, हम लोग तो विपक्ष में हैं, तो दोनों बातें उनकी कैसे सही हो सकती है, हम थोड़ी कह रही है, तो वही कह रही हैं कि बाहर के लोग थे, फिर गांव वालों को क्यों पकड़ा जा रहा है उनसे, आप पूछिए। डॉक्टर साहब, आपने स्थली निरीक्षण किया है, वहां पर लोग खुले आसमान में रह रहे हैं, किस तरीके की उनका दर्द है, क्या आपसे बात भी हुई है? देखिए जब हम कल गए तो वो लोग बहुत बात करने की स्थिति में नहीं थे, महिलाएं रो रही थी, पहले से दुखी थी, बच्चे भूखे थे, परेशान थे,
मन अगर आप होते तो आपका भी मन देख के खराब हो जाता, क्योंकि इंसान इंसान के दुखी देख करके अपने आप को कितना रोक सकता है। तो हमने फिर जो भी हमारी वहाँ पे व्यवस्था थी हमने तुरंत मदद की। उन्होंने अपना बाज़ार से जो भी सामान लाए हों, किसी के घर में तेल नहीं था, नमक नहीं था, मसाला नहीं था, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ कराई। फिर शाम को हमने 250 जो है पैकेट 250 लोगों को वहाँ पे खाना भेजा, आज सुबह ही भेजा है, कुछ दवाइयाँ भी वहाँ पर भेजी हैं। तो ठीक है, एक घटना एक हो गई, मकान टूट गया वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको राहत देने का काम भी तो प्रशासन का है, सरकार का है कि नहीं। हम लोग टैक्स देते हैं, मदद करते हैं, हमारे पैसे से सब होता है। तो अगर वो घटना अलग है, ऐसा थोड़ी कि उनके मकान टूटे तो उनकी सरकार मदद नहीं करेगी। कल को तमाम बाढ़ पीड़ित होती हैं, आपदाएँ होती हैं, सरकार मदद करती कि नहीं करती, तो उनको भी उसी हिसाब से वहाँ पे कहीं ना कहीं सहारा देना चाहिए। वो लोग अपराधी तो नहीं हैं, या फिर उनके जैसे लोग जिनके और मकान बने हुए हैं, आप सबकी एक सूची जारी कर दीजिए फरुखाबाद जिले की, किसके किसके अवैध हैं, वहाँ कार्रवाई कर दीजिए। हो सकता है 80% हमारे आपके टूट जाए। हर गाँव में है आपसी लोगों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश हो जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? तो जो गरीब और जो कमजोर वर्ग होता है आपके, जो आपकी पार्टी के साथ जो पीडीए समाज के लोग हैं, उनके पर कार्रवाई होती है? अभी बीते ही दिनों कमालगंज के क्षेत्र में ग्राम फतेहुल्लापुर है, वहाँ पर दलित समाज की जमीन पर इसी प्रकार से कार्रवाई, और उसमें एक सवाल ये भी कि उसमें कोई अभी तक सामने नहीं आया है, सबसे क्या लगता है? सबसे मेन बात डॉक्टर उसमें ये भी है कि दलित समाज के लोग थे, ना तो कोई दलित नेता पहुंचा, ना ही कोई कोई सभा का पहुंचा है वहाँ पे। देखिए मैं आपकी पार्टी का भी कोई नहीं पहुंचा है सर, मैं प्रदेश से बाहर तक कल ही आया हूँ, और जब उखड़ा गया हूँ तो आपने जो कमालगंज की बताई है बात, वो भी मुझे कल शाम को ही पता लगी है। निश्चित रूप से हम लोग वहाँ जाएंगे, और उनकी भी जो यथासंभव हमारी जो हैसियत है, सरकार इतनी हैसियत तो किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं हो सकती, जो हैसियत है वो हम वहाँ भी करेंगे। इसमें पहला सवाल जो हमारा था वो थोड़ा छूट गया कि जो प्रभावशील लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश होते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या लगता है आपको? प्रभावशाली लोगों का मतलब जो लोग सत्ता के करीब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो अगर आपको ये चीज़ दिख रही है तो हम तो सोचते हैं ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, और इतनी ट्रांसपेरेंसी से आपने ये बात कही है, और जो बात हमको कहना चाहिए अगर वो मीडिया कह रही है तो हमारे बहुत स्वस्थ परंपरा है, और कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, विपक्ष के भी कुछ लोग हैं जो जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष के ऐसे इतने विपक्ष के लोग कौन है हमारी जानकारी में नहीं है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होंगे, तभी इस तरीके से बच सकते हैं वो। अच्छा, उखरा प्रकरण में आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से जो मैंने अभी बताया है कि जितने लोगों के घर गिराए गए हैं उनको वहाँ घर बनाने के लिए सरकार पट्टे की ज़मीन मुहैया कराए, और कहीं ना कहीं से इंदिरा आवास या जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ दे, या उनको कुछ मुआवजा दे। अगर मुआवजा कानूनी रूप से सरकार देने की स्थिति में नहीं है तो जो सरकार की तमाम स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत कोई आता वो करे, और बाकी हम लोग व्यक्तिगत और पार्टी जो है वो हम लोग करेंगे ही। यही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। सरकार से हम क्या कर, सरकार से तो उम्मीद हमेशा न्याय की रहती है, सरकार से भी न्याय की उम्मीद रहती है और न्यायालय से भी न्याय की उम्मीद रहती है। जनता तो हम लोग तो जनता के साथ खड़े हुए हैं ना, तो न्याय ही मांग सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, कोई आदेश नहीं कर सकते हम लोग। सूत्रों की माने तो कुछ लोगों के आवास गाँव के अंदर बने हुए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के बने हों, लेकिन बात यह है कि जो तोड़े गए हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। हम कोई इस कानून के दायरे में जो चीज़ें आ रही हैं उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते, ना हमारी पार्टी कभी जाएगी। जो संविधान के दायरे में उसके खिलाफ भी नहीं जाएगी, लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए। जो उच्च अधिकारी बाद में पहुँचे, ये अगर पहले पहुँच जाते, पहले इंगित कर दिया जाता, आप लोगों को बता दिया जाता, एक दिन का टाइम दे दिया जाता लोगों को। जो लोगों ने कहा है, जो मैंने कल जाकर सुना, वो कह रहे हमको नोटिस नहीं मिला, प्रशासन कह रहा नोटिस दिया है। अब वो चीज़ तो सामने आ नहीं पा रही है। जिनको नोटिस नहीं मिला वो कहते हम मिले नहीं, उनसे तो हम प्रूफ मांग नहीं सकते। तो प्रशासन बताए कि हमने कब उनको समय दिया। लोगों ने कहा हमें, आप जाके मौके भी देखिए, सामान दबा हुआ वहाँ, कौन व्यक्ति अपने घर को बिना सामान निकाले तोड़वाएगा? कोई नहीं तोड़वाएगा। और जब अगर 2009 में तत्कालीन जिलाधिकारी की तरफ से जो मकान गिराए गए उनके ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे, भाजपा सरकार ने ये नहीं किया है, सत्ता सरकार में ये आदेश पारित हुआ? देखिए, सरकार कोई भी हो और आदेश कोई भी हो, हमें तो अपने लोगों के साथ एक मानवता के नाते खड़ा होना है। और कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है या भाजपा का व्यक्ति है या बसपा का व्यक्ति है, कोई भी गिराने वाला हो और जो पीड़ित होगा, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं,
सामाजिकता के नाते, अपने जिले के नाते, बल्कि सब लोग तो मिलने जुलने वाले आपस के लोग हों, व्यक्ति कोई भी हो, पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो। समाजवादी पार्टी इसमें सरकार में आ जाती है तब भी भेद नहीं करती है, और जब विपक्ष में रहती तब भी भेद नहीं करती है। कोई कहना है कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई, न्यायालय के आदेश पे अगर कार्रवाई हुआ है तो उसको थोड़ा सा, न्यायालय ने आदेश दे दिया, बहुत सी चीज़ों में न्यायालय आदेश दे देता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ये इंतज़ार कर लेते, और न्यायालय ने ये नहीं कहा था कि तोड़ दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा कि उनका सामान वामान सब दबा दीजिए, तुरंत कार्रवाई कर दीजिए, उनको मौका दिया जा सकता था, दो दिन का अल्टीमेटम दिया जा सकता था, मीडिया में सर्कुलेट किया जा सकता था कि इन घरों को चार दिन तक तोड़ा जाएगा, आप अपना अपना सामान हटा लीजिए, न्यायालय का आदेश है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो आज ये नौबत नहीं आती, अचानक से सब कुछ हुआ, उसकी वजह से ये परेशानी हुई। जो अदालत का आदेश है उसको हम लोग मानेंगे, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत के आदेश को पालन कैसे करना है उसका तरीका भी तो ठीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बुलडोजर की जो कार्रवाई लगातार जो है सरकार के द्वारा जारी है, क्या लग रहा है कि बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और जो बुलडोजर की कार्रवाई, उसमें यह है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। अब ऐसे किसी का नाम अगर आ गया, ऐसे आप कार्रवाई कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है ही, इसमें तो कहीं वो नहीं कि बिना दोष सिद्ध हुए सजा दे देना, बाद में अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो, या तो फिर ये भी सरकार दे कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, अगर ये केस में ये बरी हो गए तो हम बना करके दे देंगे, और जो इतने दिनों उनका हर्जाना हुआ वो दे देंगे फिर, या तो ये तरीका अपनाया जाए। क्या कोर्ट का आदेश बड़ा है कि सरकार का आदेश बड़ा है बुलडोजर चला रोक के बाद? हमारे संविधान में तो कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, और संविधान की लड़ाई जो समाजवादी पार्टी ने लड़ी है 2024 में, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर भी लगा दी है, उसके बाद भी अगर नहीं ये लोग समझ रहे हैं तो अभी 27 भी आगे बाकी है। तो क्या हम विपक्ष को कमज़ोर समझें? विपक्ष तो कमज़ोर इसलिए नहीं है कि 24 में विपक्ष को जो है जनता का समर्थन मिल गया है और 27 में पूरी मिलने की उम्मीद है। कार्रवाई तो लगातार चल रही है बुलडोजर की, और आप आदेश ही बता रहे हैं कि हाईकोर्ट से आ चुका बुलडोजर, तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्या है इसका? सरकार की मंशा बहुत क्लियर नहीं है, सरकार अपनी मंशा को क्लियर करे। हम लोग तो जनता के साथ खड़े रह सकते हैं, पीड़ित के साथ खड़े रह सकते हैं, उनकी बात को यहाँ से सड़क पे संघर्ष कर सकते हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि गए वो उनकी बात को सदन में उठाएंगे, जो विपक्ष का काम है और जो हमारा काम है वो करेंगे। गाँव का दौरा किया, जो त्वरित मदद हो सकती थी वहाँ पे हालात ये थी कि लोगों के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, घर टूट चुके थे, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमसे अपनी हैसियत के अनुसार जो हमने वहाँ पे मदद की, आर्थिक मदद भी की, खाना पहुँचाने का भी काम हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वहाँ पे कर रही है, कल भी भेजा, आज भी भेजा, और आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर वहाँ पर एक बेटी थी, उसकी शादी थी, उसका सामान भी दब गया, उसकी शादी के लिए गेस्ट हाउस के लिए बोल दिया गया है, हमारे ये कार्यकर्ता उन्होंने कहा है, जैसी विधि विधान से उनका जो भी शादी होना था उसको 29 नवंबर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी लोग वहाँ पर शादी को सम्पन्न कराएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अक्षम हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए ज़मीन अगर सरकार देती, हम सरकार से गुजारिश करेंगे, सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जिन लोगों के मकान वहाँ पर गिराए गए हैं, लीगल और अनलीगल, ये बहुत लंबा विषय है, कोर्ट कचहरी का विषय है, और ज़िले ही नहीं देश में तमाम गांव के लोग हैं किसके पास नक्शा नहीं है, बहुत बृहद बड़ा विषय है, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना सरकार से चाहेंगे कि जिन लोगों को मकान गिराए गए हैं उन लोगों को सरकार कहीं ना कहीं से कोई ज़मीन मकान बनाने के लिए पट्टे के रूप में उनको दे, और कुछ सरकारी मदद वहाँ पे सरकार उनको करे, बाकी जिन लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है उनके लिए अगर सरकार नहीं देगी तो हम कुछ ज़मीन खरीद के, और जिनके पास नहीं उनको मकान बनवाने का काम हम समाजवादी लोग वहाँ पर करेंगे। और आप लोगों किसी उम्मीद के साथ, चूँकि एक सिस्टम में है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप लोग हैं, और अभी तक जो आप लोगों ने सामाजिकता और मानवता और एक समाज के प्रति आप लोगों का संकल्प है वो जो मीडिया निभाया, उसको मीडिया को धन्यवाद देते हैं,
आप जैसे लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमेशा जो है एक जो धर्म की राह है, जो कर्म की राह है, जो सामाजिकता की राह है, वो आप लोगों ने वहाँ निभाई है। निश्चित रूप से आप लोगों का परोक्ष रूप से सहयोग वहाँ के लोगों को मिला है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ। कानूनी या कानून जो करेगा, संविधान जो करेगा, उसमें रह के हम लोग जो भी उनकी लड़ाई है वो लड़ेंगे, लेकिन अभी तुरंत उनको जो ज़रूरत है वो हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। खाना और तुरंत की रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, आज दवा भी भिजवाई है सुबह।